जी और रेट वाइज भी आप ज्यादा घूम के आते होंगे, रेट वाइज कैसा लगा यहाँ पे इसका आपको रेट आके? बहुत, इसने जेनुअन रेट मांगा इसका, बहुत बढ़िया, अच्छी लगी मुझे। अच्छी लगी। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की हमारी जो कवरेज मैं बताना चाहूँगा, जो स्पेशली जो हमारे चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, हर पशुपालक जानते हैं भाई बीम के डेयरी फार्म से आप सब पशुपालक भाइयों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। यहाँ से हमने जितने भी कवरेज किए हैं हर बार काफ़ी अच्छा पशुधन देखने को मिलता है और पशुधन के साथ साथ जो रेट है वो भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में दो शानदार मिल्क लाइन की शानदार जोटियाँ आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो जरूर बताना चाहूँगा, गांव नांगल जुमालपुर, जिला लगता है चरखी सॉरी रिवाड़ी और हरियाणा से विलोम करते हैं। तो मिलवाते हैं भीम भाई से और इन दोनों जोटियों की डिटेल से लेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? आज की वीडियो में दो ही भैंसे दिखाएंगे, दो भैंसे दिखाएंगे। तो काम अच्छा चल रहा है भाई साहब? काम बढ़िया चल रहा है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले नंबर से, इसकी डिटेल्स बताएं भाई साहब। ये भाई तो दूसरे ब्याह की है। दूसरे ब्याह की, थोड़ा तेज बोले भाई साहब, दूसरे ब्याह की। तो आज फिलहाल प्रेजेंट में कितने दिन की ब्याह हुई है? आज हो गई है 20-25 दिन की ब्याह हुई है। तो आज फिलहाल प्रेजेंट में दूध कितना भाई साहब इसमें? 14 लीटर दूध प्रेजेंट में जोटी में तैयार है। तो साथ में क्या भाई साहब इसके? साथ में कटड़ा है, ये देख सकते हो। दूसरे ब्याथ की और बात करें जो पीठ क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली, थोड़े पीठ पुट्ठे की और ये देख सकते हो सिंगल हड्डी की जो पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा और जो लेवटी का आकार आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा। और 20 से 25 दिन की ब्याह हुई बता रहे हैं और मौके पर फिलहाल प्रेजेंट में 14 लीटर दूध फिलहाल प्रेजेंट में जोटी में तैयार है। इसको एक बार खोल के चला के दिखाएं, जो इसका व्यक्तित्व वो पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं हर पशुपालक की बजट का हिसाब का यहाँ के यहाँ पर आपको पशुधन वो देखने को मिलेगा। छोटा सींग है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी, लंबी गर्दन और जो लेवटा हुआ भी काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे देखने को मिला। लिया ही भाई साहब, लिया लिया, ये देख सकते हैं चारा मोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लंबी गर्दन और जो लेवटी का आकार है काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और फॉरवर्डर भी ज़रूर आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं अडर में जो नसें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एक साफ साफ दुधारू पशुधन को प्रमाणित करती है, मुठिया आकार के थन हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या कुछ रेट रहेगा भाई साहब? पिचानवे हज़ार रुपये देने लेने, 95,000 रुपये में फिक्स रेट है। तो ये देख सकते हो 14 लीटर दूध की 95,000 रुपये में जोटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे दूसरे नंबर से, इसकी और डिटेल्स बताएं भाई साहब। दूसरे ब्याह की है, थोड़ा तेज बोले, दूसरे ब्याह की है। 17-18 लीटर दूध प्रेजेंट में जोटी में तैयार है और दूसरे ब्याह की बिल्कुल छोटा सींग कन्नीदार आप यहाँ पे सींग देख पा रहे हैं, गर्दन की लंबाई काफ़ी अच्छी और जो हाइट जो है वो नॉर्मल मैं जरूर बताना चाहूँगा, लेंथ काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली। और फिलहाल प्रेजेंट में बताने कि 17 से 18 किलो दूध प्रेजेंट में तैयार है जोटी में। तो भाई साहब कितने दिन की ब्याह हुई है? 20-25 दिन की ब्याह हुई है, ये देख सकते हो 20-25 दिन की ब्याह हुई बता रहे हैं। और साथ में यहाँ पे मेल काफ है भाई साहब, मेल काफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी और 17 से 18 लीटर दूध प्रेजेंट में जोटी में तैयार है। जो फेस की क्वालिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी, बिल्कुल छोटा सींग कन्नीदार सींग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और बात करें पीठ पुट्ठे की जो बनावट है वो भी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली। और अडर की बात करें तो आप यहाँ पे अडर देख पा रहे हैं काफ़ी साफ सुथरा अडर, इसको एक बार खोल के चला के दिखाएं, जो इसका व्यक्तित्व वो पशुपालक भाइयों से ज़रूर कवर करके दिखाना चाहेंगे हम, ये देख सकते हैं। और
अभी फिलहाल पशुओं के जो रेट हो काफी महंगे हो चुके हैं, क्योंकि जो भैंसे हैं फिलहाल प्रेजेंट में बच्चे काफी कम दे रही हैं। गर्दन की लंबाई आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं पेट पुट्ठे की काफी अच्छी लिया है भाई साहब, लिया है। टैल में कुछ ही बाल व्हाइट, बाकी के पूरी ब्लैक है, जेड ब्लैक जोटी जरूर कहना चाहूंगा। ये देख सकते हैं फेस की वैल्यू और जो पेट पुट्ठे वो काफी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिला। अडर क्वालिटी भी काफी साफ सुथरी अडर क्वालिटी आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं, 17 से 18 लीटर दूध बता रहे हैं प्रेजेंट में जोटी में तैयार है। तो ये भी भाई क्या कुछ रेट रहेगा भाई साहब भीम इसका? मौके का रेट करना चाहेंगे, इस जोटी का रेट है वो मौके पर करना चाहेंगे। और भाई के पास लगभग बाकड़ी भैंसों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं रेगुलर रूटीन से, भाई का स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है। किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो भाई साहब अपने डेयरी फार्म पर लगभग ताज़ा भैंसे और तोकड़ गया भैंसे मिलती हैं आप इसको लेने के लिए इच्छुक हो? हाँ मैं इसको लेने के लिए इच्छुक हूँ, मैं ताऊड़ू से हूँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा काफी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर आप आए तो भाई का जो स्वभाव आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। हाँ जी, और यहाँ पे जो पशुधन जो वीडियो में दिखाते हैं वो मिलता है यहाँ पे? मिलता है जी। मिलता है जी। और रेट वाइज भी आप ज्यादा घूम के आते होंगे, रेट वाइज कैसा लगा यहाँ पे आपको? बहुत जेन्युइन रेट मांगा इसका, बहुत बढ़िया अच्छी लगी मुझे। और बात अच्छी लगी जोटी जो दूसरे ब्यात के, फिलहाल प्रेजेंट में 14 लीटर दूध, 95,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। मिल्क वेन काफी अच्छी, काफी साफ सुथरी नीचे से, ये देख सकते हैं बिक्री के लिए उपलब्ध है। और आशा करेंगे कि आपको अच्छा केयर जहाँ से आप परचेज करके लेके आएंगे, केयर बहुत कम थी। हाँ, कम केयर पे थी। अच्छा अब आपके पास कल आई है? कल आई आपके पास, ठीक है। तो भाई के बहुत बढ़िया चरण पीने की काफी अच्छी है, ठीक है भाई साहब। तो भाई के पास ये बिक्री के लिए उपलब्ध है, अगर आप किसी भी प्रकार की भाई से डिटेल्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आशा करेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो है जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।